आइए एतकाफ के हवाले से एक अहम मसला, और वो है एतकाफ किन चीज़ों से बातिल हो जाता है। एतकाफ किन चीज़ों से बातिल हो जाता है, किन किन चीज़ों से बातिल होता है, अगर देखा जाए तो चंद चीज़ें हैं। उनमें से ये है कि गैर ज़रूरी कामों से मस्जिद से बाहर निकलना, गैर ज़रूरी कामों से, वो इंसानी ज़रूरत हो या शरई ज़रूरत हो। रिवायतें इस ताल्लुक से पेश की जा चुकी हैं। इमाम बिन हज़्म फरमाते हैं, वत्तफ़क़ू अला अन्न मन खरज मिन मुअतकफिही फिल मस्जिद लिगैर हाजतिन वला ज़रूरतिन वबिर्रिन उमिरा बिही वनुदिबा इलैह फइन्न इतिकाफहु क़द बतल। इस बात पर अहले इल्म का इत्तेफ़ाक़ है कि जो शख्स अपने एतकाफ़ की जगह से, मस्जिद के अंदर के एतकाफ़ की जगह से बग़ैर किसी हाजत और ज़रूरत के वो निकलता है, तो उसका एतकाफ़ बातिल हो जाएगा। क्यों? बिला ज़रूरत निकलने का माना यह है कि जो अहम मकसद है एतकाफ़ का, मस्जिद के अंदर ठहरना और रुकना, वो फौत हो गया। मकसद से टकराने वाला ये अमल है, इसलिए इससे बातिल हो जाएगा, एतकाफ़ इससे बातिल हो जाएगा। नंबर दो, बीवी के साथ इंसान सुहबत कर ले, जमा कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वला तुबाशिरुहुन व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्क हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, कि उनके साथ मुबाशरत न करो हालत इस हाल में कि तुम मस्जिदों के अंदर एतकाफ की हुई हो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद हैं, इनके करीब न जाओ। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, इज़ा जामा अल मुअतकिफ़ बतल एतकाफ़ुहु वस्तअनफ़, अगर एतकाफ करने वाला अपनी बीवी के साथ सोहबत कर लेता है तो उसका एतकाफ बातिल हो जाएगा, और उसे असर नौ एतकाफ करना होगा, यानी अब तक जो कुछ उसने किया बातिल हो गया। अलबत्ता अगर कोई इंसान अपनी बीवी को छू लिया या बीवी ने उसको छू लिया बग़ैर शहवत के, तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। अभी कुछ रिवायतें आपके सामने पेश की गई थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर क्या करते थे, मस्जिद से घर की तरफ मायल कर देते, उधर झुका देते, और हज़रत आयशा आपके सर में कंघी करती, उसे धुलती, और उस हालत में और उसे धुल देती इस हालत में कि आप एतकाफ़ में होते। तो बीवी का शौहर के सर को छूने में कोई हर्ज नहीं। इससे मालूम हुआ कि एक दूसरे को छू लेने से एतकाफ बातिल नहीं हो, शर्त यह है कि वो शहवत से ना हो, क्योंकि ऐसी हालत में अंदेशा है कि इंसान इससे बड़े मामले की तरफ मुंतकिल हो जाए और हराम की तरफ जो ले जाने वाली चीज़ें होती हैं वो भी हराम और नजायज़ होती हैं। लेकिन अगर हालत एतकाफ़ में कोई शख्स बीवी के साथ ऐसा कुछ कर बैठे तो उसका एतकाफ़ क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। लेकिन क्या उसको कफ़ारा भी देना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, कफ़ारे की कोई बात नहीं है, क्योंकि एतकाफ़ मसनून है, वाजिब नहीं है। हाँ, अगर अलबत्ता रात के बजाय अगर वो दिन के वक्त में वो बीवी के साथ ऐसा कुछ कर बैठे तो उसे जमा का कफ़ारा देना होगा, जिसका बयान सौम के अहकाम के उसमें तफसील के साथ गुजर चुका है, तो उसे कज़ा भी करनी होगी, कफ़ारा भी देना होगा। ये दो चीज़ें होगी। नंबर तीन, सुकर हालत नशा, यानी अगर इंसान कोई ऐसी चीज़ एतकाफ़ की हालत में पी ले कि जिससे वो नशे की कैफियत में आ जाए, तो उसका एतकाफ़ फासिद हो जाएगा, क्योंकि उसकी हालत गोया कि ऐसी हो गई
जैसे कि वो मस्जिद से निकल चुका हो। हालत शुक्र में इंसान अक्ल से पैदल होता, तो उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि वो इंसान मस्जिद के अंदर हो ही नहीं, मस्जिद से बाहर निकल चुका हो बिला किसी शरई मूजिब के, बिला किसी इंसानी हाजत के। तो बाहर निकलने वाले जैसे शख्स की उसकी मिसाल है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, कि हालत नशा में तुम नमाज के करीब न जाओ, मना कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो नमाज के करीब जाने से जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हालत शुक्र में मना किया, तो नमाज जहां अदा की जा रही है वहां से बदरज औला उसको मना कर दिया जाएगा। और ये मस्जिद से निकलने से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इस हालत में उसका अक्ल जो बतौर शर्त के एतकाफ़ के लिए बतौर शर्त के ज़िक्र किया गया है, वो पूरे तौर पर उससे दूर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, यानी उसके अंदर अक्ल नाम की चीज़ ही बाकी नहीं रहती। इसी तरीके से अगर कोई शख्स बीवी के साथ सोहबत तो नहीं किया, लेकिन अज़ ख़ुद उसने कुछ ऐसा अमल किया कि जिससे मनी का खुरूज हो गया, मनी खारिज हो गया बीवी के बग़ैर, तो इससे भी उसका एतिकाफ़ फासिद हो जाएगा। हाँ, अगर एहतलाम उसे होकर हो गया, उसके अमल का उसके अंदर कोई दखल नहीं है, हालत नौम में सोया हुआ है, तो वो उसके एतकाफ और उसके सियाम किसी भी चीज़ पर वो असरअंदाज नहीं होगी, क्योंकि इस हालत में सोए हुए शख्स के ऊपर से कलम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उठा लिया है। कितनी चीज़ें हो गई? चार चीज़ें। पांचवी चीज़ है दीन इस्लाम से मुर्तद हो जाना, दीन इस्लाम से मुर्तद हो जाना। दीन इस्लाम से मुर्तद हो जाने की वजह से इस्लाम के अंदर जो कुछ भी उसने खैर का काम किया हुआ है वो सब बातिल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लैन अशरकत लयहबतन अमलुक, लैन अशरकत लयहबतन अमलुक, अगर तुम शिर्क करोगे तो तुम्हारा सारा का सारा अमल बातिल हो जाएगा। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिर फऊलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, और अपने दीन से जो शख्स फिर जाए और कुफ्र की हालत में उसकी मौत आ जाए, तो ये वो लोग हैं जिनके आमाल को दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने बेकार कर दिया है, अकारत और ज़ाय हो गया, यानी उस दीन इस्लाम की हालत में किए गए काम सारे के सारे उसके बातिल हो जाएंगे, उन्हीं में से एक एहतिकाफ भी है तो ये भी बातिल हो जाएगा। नंबर छः, एतकाफ़ के इरादे को तोड़ देना, एतकाफ़ के इरादे को तोड़ देना। इंसान के ऊपर ऐसी हालत आती है कि वो एतकाफ़ का इरादा ख़त्म कर दे रहा है, मैं सोचता हूँ कि अब एतकाफ़ ना करो, थक गया, और इस तौर पर इस इरादे से वो आगे बढ़ने लगता है। तो अगर पुख्ता इरादा, खुरूज का पुख्ता इरादा कर लेता है, मस्जिद से बाहर निकलने का उससे मुँह फेरते हुए पुख्ता इरादा अगर कर लेता है, गरचे वो मस्जिद के अंदर हो, तो एतकाफ़ उसका बातिल हो जाता है। पुख्ता इरादा अगर कर लेता है इस बात के लिए कि एतकाफ़ के सिलसिले को वो ख़त्म कर रहा है, तो उसकी इस नीयत पर, इसलिए कि इन्नमल आमालु बिन्नियत। सातवां और आखिरी,
मौत, इंसान हालत एतकाफ़ में है, इबादत की नियत से वो एतकाफ़ किए हुए है और उसी हालत में उसके ऊपर मौत आ जाती है। मौत उसके आमाल के सिलसिले को रोक देती है, उसके आमाल के सिलसिले को। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा मात इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, इनक़ता अन्हु अमलुहु, कि जब आदमी का इंतकाल होता है तो उसके सारे आमाल वहीं से मुनक़ते हो जाते हैं। तो सारे के सारे आमाल मुनक़ते हो जाएं और वो उस इबादत से जो जारी थी उससे भी निकल गया, दीगर और इबादत जिसे वो कर सकता था इन सब से वो निकल चुका है, तो मौत के साथ साथ ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जा रही हैं। ये चंद चीज़ें थीं जो एतकाफ़ के हवाले से ज़रूरी तौर पर ज़िक्र करना मैंने मुनासिब ख्याल किया।